श्यामदीद है बेटा आपका हमारे नए लेक्चर में, दैट इज प्लेटलेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा WBCs क्या हैं, उसके बाद उससे पहले हमने देखी RBCs क्या हैं। अब प्लेटलेट्स क्या हैं? हमारे ब्लड में आप कुछ इरेगुलर शेप्ड सेल्स, हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जिनकी शेप होती है इरेगुलर, और इरेगुलर के साथ नॉन न्यूक्लिएटेड। इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं बेटा प्लेटलेट्स। सो व्हाट आर प्लेटलेट्स? आप कहेंगे सर नॉन न्यूक्लिएटेड तो आरबीसीज भी होती हैं, बट दे हैव अ वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड शेप, दे आर बाइकनकेव। बट प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड एज वेल एज इरेगुलर इन शेप। दीज प्लेटलेट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। सो आई टेल यू व्हाट आर प्लेटलेट्स। आरबीसी हमने देखे, WBCs देखे, उसके बाद देखते हैं क्या है प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जिनका शेप इरेगुलर होता है, न्यूक्लियस के बगैर होती हैं। उनका काम होता है दे हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड। उन सेल्स को हम बोलते हैं बेटा प्लेटलेट्स। दरअसल में अगर आप देखेंगे क्या होता है, ये प्लेटलेट्स जो होती हैं आरबीसीज और WBCs की तरह ही ये भी बनती हैं हमारे बोन मैरो में। आरबीसीज और WBCs की तरह ये भी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। इनका काम क्या है? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, दे आर फॉर्मड इन बोन मैरो। इनका काम क्या? ये काम तो ब्लड क्लॉटिंग है, फॉर्मड इन बोन मैरो। इस द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, बिकॉज प्लेटलेट्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम कभी कभी थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। मैमल्स में हम वर्ड करते हैं यूज प्लेटलेट्स, बाकी एनिमल्स में, नॉन मैमल्स में हम यूज करते हैं वर्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसीलिए चाहे आप ये बोलिए थ्रोम्बोसाइट्स बोलिए या प्लेटलेट्स बोलिए, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग, बट यू शुड प्रेफर प्लेटलेट्स इन केस ऑफ मैमल्स। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो कॉल देम ऑल्सो थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ये हमारे ब्लड में होते हैं इरेगुलरली शेप्ड, और इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है, बनते हैं बोन मैरो में। उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। कितने कितने आरबीसीज, कितने प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में, उसका काउंट क्या होता है, दैट इज This is platelet count per mm cube. हमारे ब्लड के 1 mm cube में या 1 ml में 1.5 लाख से 3.5 लाख platelets होते हैं। Platelets का count 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होता है per mm cube, and that is called platelet count. क्या बोलते हैं बेटा इसको? That is called platelet count. याद रखिए, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये तो बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन क्या होता है बोन मैरो में, आप कुछ सेल्स देखते हैं ऐसे इरेगुलर, ऐसे जैसे अमीबा होता है, उनके अंदर बिल्कुल एक न्यूक्लियस होता है। उन सेल्स को हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। दीज मेगा कैरियोसाइट्स आपको कहां मिलेंगे? बोन मैरो में। तो होता क्या है,
इन मेगाकैरियोसाइट्स की लॉन्ग प्रोसेसेस होती है, लॉन्ग, याद रखिए बेटा। बोन मैरो में आपको मिलेंगे सेल्स व्हिच आर इररेगुलर, व्हिच हैव लॉन्ग प्रोसेसेस एंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। उन मेगाकैरियोसाइट्स की जो ये लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होंगे, कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे, कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे, ये पार्ट्स कट जाती हैं, ये पार्ट्स कट जाएंगे, इनकी प्रोसेसेस कट जाएंगे। तो जब ये प्रोसेसेस इनसे डिटैच होंगी, तो ये जो प्रोसेसेस होंगी, ये प्रोसेसेस इरेगुलर होंगी, तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो मेगाकैरियोसाइट की लंबी लंबी प्रोसेसेस हैं, जब ये प्रोसेसेस कट जाती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। मेगाकैरियोसाइट के सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन इसकी जो लॉन्ग प्रोसेसेस है, जब ये लॉन्ग प्रोसेसेस डिटैच हो जाती हैं, ये कट हो जाती हैं, फ्रैगमेंटेशन हो जाती है इनकी, तो हर एक फ्रैगमेंट एक्ट करता है एज प्लेटलेट। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स आर फॉर्मड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रैगमेंटेशन फ्रॉम देयर लॉन्ग प्रोसेसेस। ये जो बेटा प्लेटलेट्स होती हैं, आपको याद रखना है, ये प्लेटलेट्स जो हैं, एक तो ये इरेगुलर हैं, इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है। इनका काम क्या है? देयर जॉब इज व्हेनेवर देयर इज इंजरी, जब भी कभी इंजरी होगी, जब भी ब्लीडिंग होगी, दे प्रोड्यूस केमिकल्स, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर्स। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट फैक्टर्स, या बोलते हैं बेटा उन केमिकल्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। आप इनको थ्रोम्बोप्लास्टिन्स कह सकते हैं, या उनको बोल देंगे प्लेटलेट फैक्टर्स। तो याद रखिए, जब भी इंजरी होगी, जब भी ब्लीडिंग होगी, वहां पर प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करेंगे प्लेटलेट फैक्टर्स, या जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, एंड दीज केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर एक एनिमल में, एक इंसान में इंजरी के वक्त थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्लॉटिंग नहीं होगी, देयर विल बी डिलेड क्लॉटिंग। Is that clear? So, याद रखिए, thrombosis means formation of thrombocytes. अगर thrombocytes या platelets का number कम होता है, that is called thrombocytopenia. अगर 1.5 लाख से भी, 1.5 mm³ से भी कम हो जाएंगे WBCs, उस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग जो होगी, इट विल बी डिलेड। ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर तक के बाद होगी, तब तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस, thrombocytosis. So, ये platelets क्या करते हैं? ये platelets प्रोड्यूस करते हैं chemicals, those are called platelet factors or thromboplastins. अब ये chemicals क्या करते हैं? ये कुछ reactions प्रोड्यूस करती है body में, जिससे हमारे blood में एक protein होता है, जिस protein को बेटा बोलते हैं fibrinogen. This fibrinogen changes into fibrin and clot is formed. अब ये फाइब्रिनोजन चेंज जब होगा इनटू फाइब्रिन में, उस वक्त हम बोलेंगे बन जाएगा क्लॉट। तो ये क्लॉट कैसे बनता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज आवर अनदर टॉपिक। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे हाउ द ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेटलेट्स। इज दैट क्लियर? तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओम अलैना इलाहा।